नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि GDC एग्जाम 2023 जो कि यहाँ पर पोस्टपोन हो गई है टिल फर्दर ऑर्डर। और तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देखिए, रेलवे ने अभी कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं डाला है कि जो 15 दिसंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ है वो भी कैंसिल हुआ है या नहीं, और GDC का एग्जाम दोबारा कब तक हो सकती है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 15 दिसंबर 2023 से GDC एग्जाम यहाँ पर शुरू हुई, ऐसे में मैक्सिमम जगह 15 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट की जो एग्जाम थी वहां पर पेपर नहीं खुल रहे थे, टेक्निकल इश्यू हो रहा था, कई स्टूडेंट थे वो अपना पेपर लॉग इन ही नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पर मैक्सिमम जगह जो है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर स्टूडेंटों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, और उसके बहुत सारे वीडियो भी सामने आए और लगातार कैंडिडेट ने भी इसकी कंप्लेंट यहाँ पर दर्ज कराई। और उसी दिन जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होनी थी उसमें भी कई एग्जाम सेंटर पर ये इश्यू का सामना करना पड़ा, और उसको देखते हुए रेलवे ने अपनी जो RRC है उसकी वेबसाइट के ऊपर नोटिस डाला कि जो फर्दर एग्जाम होने वाली है 19 दिसंबर और 23 दिसंबर को, वो भी दोस्तों यहाँ पर पोस्टपोन कर दी गई हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो RRB जो कोलकाता है, यानी कि जो नोडल RRB थी जो यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी GDC का, उसने दोस्तों यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर ये नोटिस डाला सभी जो चेयरमैन हैं RRB के या RRC के उनको, कि आप जो है 19 दिसंबर को ALP टेक्नीशियन और जो जूनियर इंजीनियर है, यानी कि 19 और 23 को एग्जाम होनी है, उनको यहाँ पर पोस्टपोन कर दीजिए। और यहाँ पर बस इतना ही बताया गया था कि आपको जो है एक ड्राफ्ट नोटिस है यहाँ पर भेजा जा रहा है, और इसके बारे में फ्यूचर में आपको कम्युनिकेट किया जाएगा कब आपके एग्जाम होनी है। तो यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर TCS जो है एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रही थी, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर एक नई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी थी जिसको यहाँ पर ये टेंडर दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए, उनका जो सर्वर है या एप्लीकेशन आप बोलो तो वो ठीक नहीं था, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, इस वजह से यहाँ पर ये एग्जाम में प्रॉब्लम हुई। अब देखिए, यहाँ पर रेलवे के पास दो यहाँ पर ऑप्शन है। पहला, या तो ये जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है इन्हें यहाँ पर दोबारा मौका दिया जाए ताकि ये अपना जो भी सर्वर है या ऐप है उसको ऑप्टिमाइज कर सकें और दोबारा से यहाँ पर एग्जाम स्मूथली कंडक्ट करवा सकें, या फिर दूसरा दोस्तों ऑप्शन ये है कि यहाँ पर ये दूसरी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसको हायर करें। और आपको पता है कि TCS जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर एग्जाम ले रही है और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम यहाँ पर लेती है। तो यहाँ पर रेलवे ये भी कर सकती है कि जो TCS है उसको यहाँ पर जो है इसका टेंडर दे दे एग्जाम कंडक्ट करवाने का। तो अगर हम मानते हैं कि भाई पहली सिचुएशन लेते हैं कि अगर सेम वही एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी यहाँ पर अपनी एग्जाम करवाती है, तो दोस्तों उनको थोड़ा टाइम तो चाहिए, दोबारा से अपना जो ऐप है उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे या सर्वर को ठीक करेंगे, तो मान के चले कि भाई एक महीना तो लगभग लग ही जाएगा इस चीज़ को करने में, दोबारा से अपना ऐप का ट्रायल करेगी और सर्वर में कुछ इश्यू नहीं हो उसमें। और अगर ये TCS को यहाँ पर टेंडर देती है तो TCS को टेंडर देगी तो TCS यहाँ पर वही पूरा डेटा कैंडिडेट का यहाँ पर लेने वाली है, ठीक है, और फिर यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर वो है अपना अपने हिसाब से एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी करेंगी, अपने हिसाब से एग्जाम सेंटर का सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा, फिर यहाँ पर अपना अपने हिसाब से वो स्टाफ को मैनेज करेंगे एग्जाम लेने के लिए। तो उसमें भी मान के चलिए कि भाई 1 से 2 महीने आपका लग सकता है। तो यहाँ पर देखिए, कब दोबारा एग्जाम रिशेड्यूल की जा सकती है, तो देखिए एक ऑन एवरेज मेरे हिसाब से आपका जो है जनवरी के एंड में शायद आपको कुछ देखने को मिल सकता है कि भाई जनवरी के एंड तक कुछ अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाए, 1 महीने तो मान के चलिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इतने बड़े लेवल पर जो है सर्वर डाउन हुआ है, एक जगह नहीं बहुत जगह जो एग्जाम सेंटर थे वहाँ पर ऐसा हुआ है, इस वजह से दोस्तों यहाँ पर रेलवे ने एग्जाम कैंसिल किया। तो थोड़ा टाइम तो यहाँ पर लेना पड़ेगा, चाहे पुरानी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी हो या नई वाली हो। बाकी दोस्तों, आपका क्या राय है कि क्या वही जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है जिसे यहाँ पर मौका दिया जाना चाहिए या फिर नई कंडक्टिंग एजेंसी उसे हायर करना चाहिए, आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। बाकी देखिए, रेलवे ने 15 दिसंबर वाली एग्जाम है उसके बारे में क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। बाकी देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि भाई मैक्सिमम जगह यहाँ पर 15 दिसंबर को जो एग्जाम थी उसमें प्रॉब्लम हुई है तो वो तो कैंसिल होनी होनी है, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर तो बहुत ज़्यादा इशू हुआ है, तो रेलवे मेरे हिसाब से 15 दिसंबर वाले जो एग्जाम है उसको भी कैंसिल यहां पर करेगा और शुरुआत से सारे जो कैंडिडेट हैं उनके एग्जाम के लिए यहां पर शेड्यूल यहां पर जारी करेगा। बाकी दोस्तों, आप अपना जो कमेंट है उसके माध्यम से अपना विचार है यहां पर बता सकते हैं। बाकी दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।